students, how are you doing? I hope you all are doing great, fit and fine, and welcome to the very session. My name is Nidhi Arora. Jaldi se join karke, just let me know if you are live, audible, and I am visible to you. Jaldi se bata do yaar, koi alien to nahi dikh raha na, matlab main hi dikh rahi hu na, meri jaisi shakal, Nidhi ma'am ki shakal dikh rahi hai ya nahi, audible hai, awaaz aa rahi hai ya fir nahi, theek hai, jaldi se bata do, fir hum jo hai, session ko start karte hain without any further ado, right? Chalo, theek hai. आई होप वे लाइव. ऐसे मुझे पॉजिटिव अफर्मेटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं आप लोगों के साइड से. सो लेट जस्ट बिगिन, राइट? व्हाट डू यू से? क्या बोल रहे लिया पब्लिक? करते हैं शुरू यार. ओके बच्चा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बिफोर मूविंग फर्दर, लेट मी जस्ट टेल यू सम एडवांटेजेस ऑफ अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. बेटा, आप अगर इसमें से कोई भी पैक लोगे जो भी आपके अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे है, देन यू कैन अवेल एट फ्लैट 10% ऑफ बाय अप्लाइंग दिस कोड विच सेज NIDHI01. ठीक है, थ्रू दिस कोड आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं, अच्छा सा डिस्काउंट मिल रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी प्लस, राइट? चलो मूव ऑन कर जाते हैं. वेलकम टू द क्लास बच्चा बाटी. मुझे पता है इंट्रोडक्शन एक हमारा रिचुअल हो चुका है अब, ठीक है? तो इसके थ्रू हम ना वी गेट टू नो अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट ईच अदर. तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मीनवाइल आप भी अपने बारे में छोटी छोटी चीज़ें बता सकते हो विच यू हैवंट डिस्कस्ड ऑलरेडी. ओके, सो हाई डियर लर्नर्स, माई नेम इज़ निधि अरोरा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन अन अकेडमी. आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, एंड आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, विच आई डोंट थिंक यू ऑलरेडी केयर अबाउट एनी ऑफ दोज थिंग्स, बट स्टिल जस्ट टू इंश्योर दैट यू गाइज आर इन सेफ हैंड्स, लेट मी टेल यू दैट आई हैव रियली इंपॉर्टेंट स्किल्स इन टू स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम SSC and NDA backgrounds. Not only that, I have truly tried my hands on little mischievous munchkins who are coming from CBSE and state boards as you guys are. Okay, so that's about it. इतनी introduction है बेटा. अब आगे की बातें कर लेते हैं. हम tsunami के बारे में बात कर रहे थे. अभी तक हम लोगों ने बहुत ही interesting, बहुत ही bizarre topic पढ़ा है जिसका नाम था tsunami. Part 1 हमने complete करा है, ठीक है? थम्स अप आ गया है मुझे जल्दी से. सो हेड्स अप मिल गया है मुझे. तो मुझे पता चल गया अभी तक कि यू गाइज आर ऑलरेडी टेरिफाइड एंड ऑलरेडी पेट्रिफाइड ऑफ द सिचुएशन कि क्या डिस्ट्रक्शन होती है. पर सोचने वाली बात यह है कि हम तो सिर्फ लिसनर्स हैं. हमारे लिए तो स्टोरीज इसलिए होती है ताकि हम अवेयर रह सकें, ये जो ट्रू लाइफ बेस्ड स्टोरीज होती हैं. तो अलर्टनेस और अवेयरनेस ही मेन मोटो है, ऑब्जेक्टिव है इस स्टोरी का आप तक पहुँचाना, मैसेज पहुँचाना कि स्विमिंग इज़ डेफिनेटली अ लाइफ स्किल. ठीक है, ये तो सबको आनी ही आनी चाहिए. मैं रेकमेंड करूँगी 100% बेसिकली. ठीक है, अब और हमें क्या पता चला बेसिकली सुनामी के पार्ट वन में? हमने देखा स्टार्टिंग विद इग्नेशियस स्टोरी. इग्नेशियस स्टोरी वॉज वेरी मच अलाइक जो हमें पता चल गया था कि यार वो तो किसी को भी नहीं बचा पाए. ही वॉज रियली ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम द होल फैमिली दैट ही हैड बैक इन द डे. ठीक है, फिर हमने संजीव की स्टोरी सुनी थी कि वो कैच हॉल में क्या, उस आइलैंड में क्या क्या हुआ उसके साथ. बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ, ही वाजंट एबल टू सेव हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू रेस्क्यू समबडी एल्स, ही लॉस्ट हिज लाइफ. फिर हमने तीसरे में एक लड़की की कहानी पढ़ी थी. ठीक है, उसका नाम अभी जल्दी से मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट वाज द गर्ल्स नेम जो 13 इयर्स ओल्ड थी, राइट? जल्दी से मुझे बता दो. और उसके बाद फिर हमें पता चला था तीन स्टोरीज थी, चौथी वाली फिर हमारी एक नई नवेली सी स्टोरी थी अलमस जावेद के बारे में. वो जो गर्ल थी 10 ईयर ओल्ड, शी वॉज टू यंग टू आइडेंटिफाई हर स्पेसिफिकेशंस. उसको पता ही नहीं था, मतलब लाइफ जानना सीखी थी वो, परखी थी, बट बिफोर दैट उसके अलॉन्ग विद हर फादर, वो तो नहीं बट हर फादर एंड एवरीबडी एल्स गॉट ड्रिफ्टेड अवे विद द टाइडल वेव्स, राइट? तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था. तो हमने देखा लोगों की लाइव्स में, लोगों के बिजनेस में कितना ज़्यादा अफेक्ट किया था सुनामी ने, राइट? तो ये टाइडल वेव्स में मैंने आपको सुनामी वर्ड बताया था, जापनीज वर्ड है, हार्बर वेव्स होता है इसका मतलब. और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी जानी. और अब हम चल जाते हैं पार्ट टू में. अब नाउ दिस पार्ट टू इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग. अब मैं कंपैरिजन तो नहीं करूँगी यार, डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स हैं ये सारे, तो मैं ये नहीं बोलूँगी ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सब में से कुछ ना कुछ गेनिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी. नाउ दिस पार्ट नंबर सेकेंड इज़ ऑल अबाउट टिली स्मिथ.
टिली स्मिथ इज अ गर्ल जो कि थाईलैंड बीच में जैसे जो है फंस गई थी थाईलैंड के एक बीच में. उसके पेरेंट्स को अलाउड नहीं था मतलब, लेकिन फिर भी उसने जो है काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी, ऐसा कुछ था. सोशल एक्टिविस्ट बन के आई थी, तो उस पर पूरी डेडिकेटेड है टिली स्मिथ स्टोरी. ठीक है, तो हमने अच्छे से देख लिया इस लड़की की, अभी फोटो भी देखेंगे हम इन अ वाइल. बट फॉर नाउ ऑल यू हैव टू डू इज रीड दिस लाइन अलोंग विद मी, रीड दीज लाइन्स. ओके, यहाँ पे बोला है बेटा टिली स्मिथ. टिली स्मिथ जो है अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, यानी कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, ब्रिटिश स्कूल जाने वाली लड़की. वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, तो शी वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, यानी कि बहुत सारे लोगों की वो जान बचा पाई थी व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. तो थाईलैंड में फुकेट बीच है एक, वहाँ पे सुनामी स्ट्रक आ गया था, यानी कि पड़ गया था, वहीं फंस गया था सुनामी. सुनामी के बारे में एज वी ऑलरेडी नो व्हाट अ मैसिव डिस्ट्रक्शन दिस नेचुरल कैलामिटी कॉजेज, ये हम सबको पता है. नाउ दैट वी आर वेरी मच अक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ इट्स विद द मैसिव लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो हमें अब जो है सिर्फ टिली स्मिथ की स्टोरी के बारे में पढ़ना है कि कैसे उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई जो सुनामी में फंस गए थे फुकेट बीच में, आए थाईलैंड में एक बीच है. ठीक है, यहाँ पे बोला है तो इस चीज़ को हम हाईलाइट कर देंगे. सो वेयर वाज टिली स्मिथ बेसिकली, तो कहाँ उसने जान बचाई, वेयर डिड शी सेव दीज लाइव्स व्हेन सुनामी स्ट्रक. सुनामी गॉट स्ट्रक जो आया था इन द फुकेट बीच इन थाईलैंड. ठीक है, इस जगह पर आया था, इसको हम याद रख लेंगे. Though she has won a number of awards, उसने बहुत सारे awards जीते हैं, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? यहाँ पे बोला है, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई. ठीक है, she acted like a social worker, social activist. जब उसने जान बचाई थी, लेकिन हालांकि उसने इतने सारे अवार्ड्स भी जीते होंगे, बट ऑब्वियसली बात है यार, ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते ही मिलते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकें. थोड़ा सा क्या, इट्स लाइक जो उन्होंने किया, वैसे तो कोई भी प्राइस कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता, बट येस एक्नॉलेजमेंट एंड रिकग्निशन ज़रूरी है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या बोला है कि उसने वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स जीते, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड, उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ नहीं करा था अपनी डॉटर को, कौन है उनकी डॉटर, टिली स्मिथ, कि वो इंटरव्यू करे टेलीविजन पे जाके, वो अपने इंटरव्यू दे, किसी भी प्रकार का बयान दे, एंड मेड इंटू अ हीरोइन. और मतलब हीरोइन उसको ऐसे इंडस्ट्री में टेलीविजन में बिल्कुल जाने के लिए अनुमति नहीं थी, अलाउंस नहीं थी. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तो आपके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा, ये आपको बताना है सोच के. सो यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, यू हैव एन एम्पल ऑफ टाइम टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर टू मी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, या फिर बाय द टाइम वी एंड अप सॉल्विंग आर क्यू एन ए राउंड, सॉल्विंग आर क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है बेटा, तो ये चीज़ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से हम बात करेंगे. राइट, सो आर वी गाइज रेडी, आर वी रेडी, आर वी ऑन द सेम पेज, थम्स अप. ठीक है, स्प्राइट क्लियर है, थम्स अप है, चलो जी चल लेते हैं फिर. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे बाढ़ आ रही है, सुनामी है बेसिकली, इट्स नॉट इवन फ्लड, इट्स लाइक मोर डिस्ट्रक्टिव दैन दैन द फ्लड वुड डू. ठीक है, अब टिली स्मिथ की स्टोरी देखते हैं बेटा, ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को जिसने इतने सारे लोगों की जान बचाई. सो हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड की स्टोरी है ये, फुकेट आइलैंड की स्टोरी है, तो फिर इसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं. ठीक है, तो चलो देख लो भैया क्या हुआ, क्या था, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. सो द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. यहाँ पे बोला है स्मिथ फैमिली, यानी कि टिली स्मिथ अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अलॉन्ग विद हर माता पिता, वो अपने पेरेंट्स के साथ आई हुई थी. वो कहाँ की थी, फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, तो ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, तो जाहिर सी बात है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड की पली बड़ी थी, वहाँ से आई थी. वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, वो ईव भी हो सकता है, उस दिन भी हो सकता है, किसी भी दिन, दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इज द मेन पॉइंट, इज द मेन मुद्दा हियर. एट अ बीच रिजॉर्ट, वो एक बीच रिजॉर्ट पे थे. देखो दिस इज हाउ द एनी बीच बीचिंग सीन चल रहे हैं और पीछे कहीं रिजॉर्ट होगा, तो दिस इज हाउ द सीन वुड हैव लुक्ड लाइक. ऐसा मैं
दिखा रही हूँ आपको बीचेस पे बेसिकली होता क्या है। ऐसे अम्ब्रेला से लगी होती है, बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है, ऐसे बीच है, फिर यहाँ सॉयल है, प्लस कोकोनट ट्री है, ठीक है। तो अब क्या होगा भैया, दे वर ऑल इन थाईलैंड बैक इन द डे, जब ये हुआ था इवेंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट डिजास्टर, सदर्न थाईलैंड में, साउथ का एरिया था वो थाईलैंड का। तो वो एक बीच रिजॉर्ट पे थे, जो कि मतलब ऐसा रिजॉर्ट जो बीच पे पड़ता था, बीच के बीचों बीच, ठीक है। चलो जी, टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, मात्र 10 साल की थी टिली स्मिथ, ओके, मान लिया। हर सिस्टर वॉज 7 years old, सो हर सिस्टर वॉज इवन यंगर दैन हर, बहुत ज़्यादा जवान थी। द पेरेंट्स वो पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके उनके जो पेरेंट्स थे वो पेनी और कोलिन स्मिथ थे। तो किसके पेरेंट्स हैं यहाँ पे ये? ये टिली स्मिथ के पेरेंट्स हैं, उनका नाम है पेनी स्मिथ और कोलिन स्मिथ, दो पेरेंट्स के नाम आ गए। अब रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बेसिकली अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन अ हॉलीडे, या कोई भी छुट्टियों के टाइम पे किसी होटल में आप बड़े से ऐसे आलिशान से होटल में स्टे करने जाओगे, तो दैट इज़ रिजॉर्ट बेसिकली, हॉलीडेज के टाइम पे जहाँ पे आप स्टे करते हो, रुकते हो, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या क्या पता चला? पहले तो कैरेक्टर्स पता चले इस स्टोरी के, कौन कौन है। एक तो टिली स्मिथ है, वो है हमारी प्रोटैगनिस्ट, यानी कि जिनके अराउंड स्टोरी करती है रिवॉल्व। तो ये रही हमारी टिली स्मिथ, स्मिथ फैमिली पूरी गई थी। तो पेरेंट्स है पेनी स्मिथ, कोलिन स्मिथ एंड टिली स्मिथ। सो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट तो हमें पता चल ही गया था फोटो देख कर ही। मैं प्रोटैगनिस्ट सबसे पहले हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, बट मुद्दा ये है कि लिखा कहाँ जाए, वेर इज माई पॉइंट ही, वेर इज माई, ओके, पेन टेस्टिंग हो गई है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम टिली स्मिथ, ये है हमारी प्रोटैगनिस्ट, ओके ओके, ठीक है, हीरोइन है स्टोरी की। इनके पेरेंट्स हैं पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ, इसका याद रखना है। अब ये सदर्न आइलैंड में है, एक बीच रिजॉर्ट पर आराम से चिल कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है, वर्ड टू वर्ड क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इट वॉज 26 December 2004, मंथ डेट सन पूरा दिया हुआ है, तो 2004 26 दिसंबर की बात है, यानी कि क्रिसमस टाइम था ना, सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रिसमस ही था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, यानी कि डेडली भयानक घमासान सुनामी वेव्स अपने रास्ते पर ही थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्र अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैसिव वेव पधार रही थी। सो ऑन दैट डे डेडली, एकदम भयानक सुनामी वेव, जैसे डेडली कोविड का ये सेकेंड वेरियंट था, वैसे ही डेडली वेव्स थी सुनामी की, वो अपने रास्ते में ही थी। दे हैड बिन ट्रिगर्ड, यानी कि एकदम से ट्रिगर कर गया, कोई चीज़ कॉज करना बेसिकली, कोई चीज़ हो जाना एकदम से, ठीक है, कोई चीज़ फट जाना एकदम से, ऐसा हम बोलते हैं ना, बम फट गया या कुछ भी फट गया, तो दैट इज़ ट्रिगर्ड, दैट इज़ ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था ऑफ नॉर्दर्न सुमात्र अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस साइड में आया था, ये एक जगह है नॉर्दर्न सुमात्र, तो वहाँ आया था, ठीक है। तो यहाँ पे what आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर एंड मेक टेक नोट ऑफ, देखना यहाँ पे, एक तो डेट 26 December 2004, ठीक है, फिर आई डेडली सुनामी वेव्स, कहाँ पे आ रही थी, ट्रिगर की उन्होंने वेव्स ने बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। पहले तो अर्थक्वेक आता है ना, सुनामी के लिए प्रोसीजर क्या बताया था बेटा मैंने, जब अर्थ के लोअर अंडर, मतलब अर्थ के क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स जब सी वाले रीजन पे, सी कोस्ट रीजन पे या फिर ओशन वाले रीजन पे डिसबैलेंस हो जाती है, तो वो जब ऊपर जब प्रेशर बनता है उसके, तो उस वेव्स के प्रेशर की वजह से पानी जो है डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब अंदर उस टाइम पे एक वर्लपूल सा बन जाता है, एंड देन दे बम्बार्ड इन, ठीक है, तो इससे ही बम्बार्डमेंट होती है, पूरे वाटर का फ्लो बढ़ जाता है एकदम से, और प्लस उसमें काम करते हैं नेचर के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं दैट कम इन टू प्ले, फॉर एग्जांपल एयर भी, प्लस अर्थ, सॉयल, क्रस्ट, सब कुछ जो है दे कम इन टू प्ले ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है।
तो हमने देखा कि मैसिव अर्थक्वेक भी आ गया था, किसमें, नॉर्दर्न सुमात्रा साइड में सुबह सुबह, तो ट्रिगर कर गया था एकदम से, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ जल्दी से, कोई डाउट है तो? बस अभी तक इतना ही है टिली स्मिथ की स्टोरी। टिली स्मिथ ने बताया कि यार थाईलैंड में उसने, उसके बारे में बताया कि उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। हर पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव इनफ, हर पेरेंट्स वर सपोर्टिव इनफ उस बारे में कि हाँ ठीक है, शी ऑल दो शी सेव्ड सो मेनी लाइव्स एंड वन सो मेनी अवार्ड्स, बट देन दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ the things that were going afterwards, that started to happening afterwards, that which are the awards, the recognition, the like casting for heroine aise launch ke liye, to that those were the things that which those were the things which her parents denied her of, like usko side mein jaane nahi hai, kyun aisa hua hoga abhi sochte raho, theek hai। Penny Smith, कॉलिन स्मिथ दोनों ने ही म्यूचुअली डिसाइड किया था, दे वर ऑल बीचिंग एट अ बीच रिजॉर्ट पे थे, वो इंजॉय कर रहे थे तभी एकदम से, 26 दिसंबर क्रिसमस ही था वो, उस टाइम पे ऐसे डेडली वेव्स आती है, मैसिव अर्थक्वेक भी होता है, सुमात्र नॉर्दर्न साइड में आता है, अभी उस साइड में नहीं आता है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो अर्थक्वेक भी आया है पहले, तो उस जब हाई सेस्मिक वेव्स पर आता है, टेक्टोनिक प्लेट ज़्यादा ही डिसबैलेंस हो जाती है, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट थिंग्स स्टार्ट टू फॉल अपार्ट, ठीक है, थिंग्स स्टार्ट टू फॉल अपार्ट बेसिकली। चलो आगे क्या बोला है बेटा, आगे बोलता है यहाँ पे कि द वॉटर वॉज स्वेलिंग, ऐसे लग रहा था कि पानी जो है पूरा उबल गया है, पूरा स्वेल अप हो गया, सूज गया है, एंड केप्ट कमिंग इन, आते रहा, यानी कि वॉटर डिड नॉट स्टॉप, ओनली रुका ही नहीं। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी को बहुत अच्छे से याद है, पेनी स्मिथ, कोलिन स्मिथ और पेनी स्मिथ दो थे ना पेरेंट्स, तो यहाँ पे द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि श्रिंक होता गया, एकदम नैरो साइज का बन गया बीच उनका। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, यहाँ पे पेनी स्मिथ को सब कुछ याद है ना, सो दैट्स व्हाट शी सेज, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मतलब things had started to falling apart in a at the blink of her eyes, in a jiffy, she had like which she had no control over totally, to uske paas koi control nahi tha, and those were the things that were happening to her at that time, theek hai। To yahan pe kya kya bola hai beta, ki water jo hai swell up ho gaya tha, sooj gaya tha, wapas aa ja raha tha, beach chhota hota ja raha tha, और उसे नहीं पता था कि अब ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। देखो दिस माइट बी द व्यू दैट यू मे वॉन्ट टू सी, अभी देखते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे। पहले तो वर्ड मीनिंग टाइम है, एक तो स्वेलिंग का मतलब, स्वेल मतलब सूज जाना होता है ना, पता है हम सबको, सो दिस इज सूज जाना, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। ठीक है भाई, ये भी हो गया, हमें याद हो गया। नाउ अब क्या होता है, अब ये होता है बेटा कि बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग, टिली स्मिथ को लगता है कि यार कुछ तो लोट रहा है भैया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो माज रहा है। टिली स्मिथ को गलत लग रहा था कि नॉर्दर्न साइड में, सुमात्रा वाली साइड में आ गया है अर्थक्वेक भी, साइक्लोन, इसके सुनामी के भी चांसेस लग रहे हैं। नाउ व्हाट, लाइक डू वी वेट फॉर द बैड थिंग्स टू हैपन टू अस और समबडी एल्स, नो वी मस्ट नॉट। तो टिली स्मिथ को कुछ ना कुछ फिशी लगा, डाइसी लगा, सो शी सेंस्ड, उनको सिक्स सेंस से ही कुछ लग रहा था कि वाई नॉट स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस एट द अर्लीस्ट, है ना। तो उन्होंने सोचा चलो जी ऐसे प्रिकॉशंस लेंगे हम। Her mind kept going back to a geography lesson, वो पढ़ती थी, 10 साल की थी ना, तो earlier back in the day she used to study geography lessons, तो ये geography में basically क्या होता है, she had taken in England, यानी कि जब वो school में पढ़ती थी उसे अपनी geography lessons की याद आ रही थी कि earth crust में tectonic plates कैसे हिलते हैं, कैसे लोग जो हैं, कैसे natural calamities होती हैं, so things started reviving in her mind, ठीक है। Just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family,
तो 2 हफ्ते पहले ही आई थी ना वो थाईलैंड, उससे पहले उसने स्कूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो सारी चीज़ें उसे अर्थ क्रस्ट, उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हैपनिंग मिस हैप्स, ये सारा प्रोसीजर उसके दिमाग में फ्लैश बैक की तरह याद आने लगा कि आई मस्ट नॉट वेट फॉर द ब्लैक आर टू अराइव, है ना। वो उसको बिल्कुल भी, उसने सोचा, ठान ली कि यार मैं, मेरे दिमाग में ये थाट्स आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी उस चीज़ को, और बिल्कुल भी आई विल नॉट वेट फॉर एनी टाइम एनी बैड थिंग मिस हैपनिंग टू हैपन। तो वो सीधा मतलब कॉल टू एक्शन हो गया था उसका, शी एक्टेड ऑन दैट वेरी थिंग, राइट। तो क्या पता चला अभी तक हमें बेटा, एक बार देख लेते हैं हम टिली स्मिथ के बारे में। हमने देखा कि टिली स्मिथ आई थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ के साथ। स्कूल गर्ल थी 10 साल की मात्र, और उनकी सिस्टर तो और भी छोटी थी, 7 years old शी वॉज, उनके पेरेंट्स थे, दे वर एन्जॉइंग ऑल बीची। बट 26 December 2004 को डेडली सुनामी वेव्स आई थी, उनके रास्ते में ही थी, उन ट्रिगर हो गया था, मैसिव अर्थक्वेक आने वाला है कुछ ना कुछ से, तो आइडिया लग गया था सुमत्र, नॉर्दर्न सुमत्र वाली साइड में है सुबह, लेकिन वाटर जो है फूलता जा रहा था, स्वेलअप हो गया था, सूज गया था, एंड इट वुड नॉट स्टॉप ओनली। पहले स्मिथ को याद आया, ठीक है ये बात की बात है, तो बीच जो है छोटा 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 होता जा रहा था, एंड आई वी डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो फिर तभी लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि यार कुछ तो लो जाए, किसी वजह से ये जो भी हो रहा है, तो उसका दिमाग थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट दैट होल इंसिडेंट, वो ज्योग्राफी लेसन में जा रहा था जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था 2 हफ्ते पहले, जब वो थाईलैंड आई थी इससे पहले, ठीक है। देखो वेव्स ऐसे आगे आती जाती हैं एंड इट वुड नॉट स्टॉप देयर, देन देयर देयर इज अ टाइम व्हेन द वेव्स वुडंट स्टॉप ओनली, ऐसा हुआ था लिटरली। तभी तो आइलैंड जो बीच था वो छोटा सा छोटा लगने लग गया था, है ना। फिर क्या होता है बेटा, ये जो नेचर होता है ना, इनकी ना बहुत मतलब पेक्यूलियरिटीज़ होती हैं, इनकी भी बहुत खासियत होती है, ये बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अट्रैक्ट करते हैं, तो यानी कि अगर ये हमें लाइवली फील कराती है तो ये जो लाइफलेस सब्सटेंस होते हैं ये हमारी लाइफ ले भी सकते हैं, इफ़ वी डू नॉट वैल्यू देम नाइसली, इफ़ वी डू नॉट टेक अ होल्ड ऑफ देम ब्यूटिफुली, और अगर हम इनकी केयर नहीं करें, वैल्यू नहीं करें हैं, इनको एक्सप्लॉयट करें रिसोर्सेज को, देन दे कैन, दे मे, देयर चांसेस आर दैट दे मे टेक अ टोल ऑन आर लाइव्स एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए ये लेसन हमें सिखाया जा रहा है। सो लेट्स मूव ऑन, अभी तक हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा टिली स्मिथ के बारे में, कुछ और पढ़ेंगे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो व्हाट डज इट से हियर बेसिकली, टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि स्लोली समुद्र धीरे 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 बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग बन रही है, बबल बन रहा है, एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और उसमें ऐसे 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 करके देखो वेव्स बनती है, वर्लपूल बन जाता है नीचे। वर्लपूल क्या होता है बेटा, साइक्लोन की तरह होता है वो, एकदम इतना बड़ा वर्लपूल बन जाएगा, फिर उसके अंदर अगर कोई चला गया देन देर इज़ नो कमिंग बैक, आप फिर वापस नहीं आ पाओगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी यही बोला गया कि टिली ने छोटे से ऐसे समुद्र को देखा, धीरे 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 बढ़ता हुआ, वो बबल बना रहा है, झाग बना रहा है, वर्लपूल्स बना रहा है, ठीक है। सो दैट वाज द इंसिडेंट दैट वाज हैपनिंग, तो यानी कि देखो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ बीच में बनने लग जाए तो दैट विल बिकम अ वर्लपूल आइडियली। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे करके, अगर आपने देखो, पार्डन माई ड्रॉइंग स्किल्स, बट यहाँ पे अगर हम ऐसे ऐसे कर दें तो ये वर्लपूल बन जाएगा, इसके अंदर अगर कोई चला गया तो फिर देयर इज नो रिटर्निंग बैक, रिटर्न टिकट तो फिर इसकी है ही नहीं, वन साइडेड ही होगी, राउंड ट्रिप नहीं चलेगी इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अंदर अगर इफ समबडी गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड ऑफ दिस वर्लपूल, फिर तो आफ्टर लाइफ पता नहीं कहाँ ही होगी, फिर नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा क्या कहा है, यहाँ पे बोला है बेटा कि अभी स्लोली स्लोली टिली ने देखा कि पानी, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, फोम बन रहे हैं, झाग बन रही है, बबल्स बन रहे हैं, और वर्लपूल्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। उससे सब याद आते हैं, अपने पढ़ाई याद आती है। सो शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवायान आइलैंड्स, हवाया आइलैंड्स इन 1946। तो ये
हवायान आइलैंड है, वहाँ पे 1946 में अटैक आया था सुनामी का ही, तो वो वाली वीडियो से क्लास से याद आ गई कि कैसे वर्लपूल बन रहा था. यू नो जैसे अगर गॉड फॉरबिड आपने किसी नियर एंड डियर वन को देखा, किसी के साथ हुआ है, या फिर कुछ नियर फ्यूचर में कुछ भी, कोई भी अनसर्टेनिटी हो, कोई भी, क्योंकि बेटा वैसे भी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, मतलब गॉड नोज क्या चल रहा है, तो कभी भी ऐसा कुछ हो जाए, यू कैन अवेयर दिस फैक्ट आफ्टर टेकिंग दिस क्लास. एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो उसमें जो है किसी को गाइड कर सकते हो, यू कैन हेल्प आउट समबडी इन वन, लाइक वन वे और द अदर, चाहे आप उसको वोकली करो, वर्बली करो, बट यू आर हेल्पिंग दैट वन पर्सन आउट. ठीक है, तो यू हैव टू डू दैट आफ्टर दिस इफ यू कम अक्रॉस एनी ऑफ द सिचुएशंस लाइक सच. ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि टिली ने देखा सी को स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, फोम बना रहा है, बबल बना रहा है, वर्ल पूल्स भी बन रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे करके, हाई टाइडल. तो उसे याद आ गया एक लेसन, जैसे आपको इस क्लास का ये जो लेसन है वो याद आ सकता है कभी भी फ्यूचर में, तो ऐसे ही उसको भी याद आ गया सुनामी का वीडियो जो हवाया आइलैंड में हुआ था 1946 में. सो हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर द क्लास, हर क्लास द वीडियो. सो उनकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने पूरी क्लास को के सामने वो वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. तो ये भी बताया था कि सुनामी कैसे कैसे हो सकती है, तो या तो भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या वोल्केनो फट जाए, जब अंदर का वो लावा फट जाता है ना, मेटल क्रस्ट का, जो अर्थ की लोअर क्रस्ट होती है उसका लावा फट जाए तो वोल्केनो, यानी कि वो ज्वाला पूरी वो हो जाती है, एंड या फिर लैंडस्लाइड आ जाए, वो सूखे वो गिरने लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है बेसिकली. अगर इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए, तो वो वाली वीडियो से याद आ रही थी. आप भी सोशल साइंस के टॉपिक से ज़रूर रेफरेंस लेना इस क्लास का, और इस क्लास को कभी ना कभी अप्लाई ज़रूर करना, किसी को बताने के लिए ही क्यों ना हो वो भले ही. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्लपूल बन रहा है, उसने देखा कि फोम्स बन रही है, बबल्स बन रही है, वर्लपूल बन रहा है, और ऐसे हाई टाइडल वेव्स बनती जा रही हैं. उसे अपने वो पूरा लेसन याद आ गया, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक कैसे कैसे कॉज करते हैं, सुनामी में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें उसे याद आ गई थी. सो बाय नाउ इज एवरीथिंग लाइक वर्ड टू वर्ड क्लियर और नॉट? हैव वी क्लीन्ड अप द एयर? हमने क्या क्लियर अप कर दिया एयर को, ये मुझे जल्दी जल्दी से बता देंगे बच्चा बाटी. ठीक है, बता, चलो ठीक है. आई गेस थिंग्स आर क्लियर, प्रीटी मच क्लियर एज ऑफ नाउ, सॉर्टेड है. ठीक है, चलो फिर आगे चल जाते हैं फटाफट से. यहाँ पे क्या बोला है बेटा? ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड बस. या Everything is done now. अब क्या होता है बेटा आगे? यहाँ पे बोलते हैं कि टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली ने शुरू कर दिया अपनी फैमिली पर चिल्लाना बीच से बाहर निकलने के लिए. ठीक है, सो वॉट डिड टिली डज? शी स्टार्टेड टू स्क्रीम, वो चिल्लाने लगी अपनी फैमिली पर, अपने घर वालों पर, जिससे कि वो बीच से छुटकारा ले सके, पा सके, कि भैया जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब कि बीच से बाहर निकलो. चिल्लाने लग गई वो, यार आप लोग सुन नहीं रहे हो मेरी बात, तो ऐसे टाइम पे क्या करे कोई? अभी वो रिस्पेक्ट और मैनरिज्म तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो क्योंकि उसको अवेयरनेस है, बिकॉज शी वॉज द वन, शी वॉज द यंगेस्ट वन हु वॉज गोइंग टू स्कूल एंड टेकिंग क्लासेस अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो शी वॉज वेल अवेयर, वेल वर्स्ड विद द फैक्ट दैट वॉट आर द पॉसिबिलिटीज, वॉट आर द वर्स्ट कम सिनारियोज दैट कुड हैपन टू हर एज वेल एज टू हर फैमिली. ये बात हो गई थी, तो उसे क्योंकि ये सब चीज़ें, शी वॉज गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स एट द बैक ऑफ अर माइंड, मतलब दीज वर द थिंग्स दैट हैव बिन कॉन्स्टेंटली रनिंग इन हर माइंड थ्रू आउट द टाइम. तो उसने बोला कि भैया भागो, घर वालों पर चिल्ला रही थी, शी वॉज लिजिट स्क्रीमिंग एट हर फोक्स. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने अर्थक्वेक की भी बारे में बात करी थी जो सी के नीचे आता है. तो उसको पता था यार सुनामी का जो प्रोसेस होता है तो आउटकम तो क्या ही होगा, अर्थक्वेक भी आता है और सुनामी तो बाद में आएगा. तो उसे ये पता चल गया था कि अर्थक्वेक को अर्थक्वेक की तरह ना ले, इट कैन रियली कन्वर्ट इनटू समथिंग मोर, इवन मोर स्कैरियर, या फिर इवन मोर डिजास्ट्रस. ठीक है,
तो यहाँ पे बोला शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके जो इमोशंस थे वो ऑक्सीमोरॉन हो गए थे, जो मिल नहीं रहे, मेल नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी. एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्सट्रीमली सैड, मतलब वो रोने में भी हंसी आ रही है उसे, ऐसे अपने आप पे पिटी फील कर रही है. बहुत अजीब सी उसकी सिचुएशन हो गई थी बिकॉज एश यू इज पैनिकिंग अलॉट. ठीक है, सेड हर मदर पेनी, पेनी ने बताया था उनकी माताश्री ने. आई डिन नो वॉट अ सुनामी वॉज, पेनी बोलती है कि यार मुझे तो पता ही नहीं था सुनामी क्या है, हमारी बच्ची ने ही पढ़ा हुआ था सब कुछ तो. बट सी माई डॉटर सो फ्राइटन, जब हमने अपनी बच्ची को देखा कि वो इतनी डरी हुई है, इतनी ज़्यादा डर गई है, कुछ तो हुआ है फिर तो, है ना. तो हुआ क्या बेटा, टिली चिल्लाने लग गई कि यार प्लीज़ बीच खाली करो, आप लोग मेरी बात सुन लो. अर्थक्वेक के बारे में उसने बताया कि यार अर्थक्वेक कैन लीड टू मोर हजार्डियस एंड हाफ हजार्डियस इफेक्ट, सो प्लीज़ बी वेयर एंड बी वेयर ऑफ द फैक्ट एंड जस्ट वैकेट द बीच. उसने वैकेट करने को बोला. वो हिस्टेरिकल हो गई थी. सो हिस्टेरिकल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, बताया है कि व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू जस्ट शाउट लाफ क्राई ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, सो यू लूज कंट्रोल ओवर योर सेल्फ काइंड ऑफ थिंग, चीज़ है ये. ठीक है, तो पेनी ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसके बाद उसे पता नहीं था कि सुनामी क्या है. पेनी बोलती है कि हम तो माता पिता हैं, हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट हमने देखा अपनी बेटी को इतना डरे हुए. शी वॉज सो शॉक्ड, शी वॉज शॉक्ड बियॉन्ड यर्स, बियॉन्ड वर्ड्स. तो उसे पता ही नहीं था क्या बोलना है. आई थॉट, पेनी बोलती है, मैंने सोचा बस यहाँ पे रोक लगा देंगे, पहले तो हम लोग किसको कवर करेंगे, पहले हम लोग कवर करेंगे अपने वर्ड मीनिंग्स को. स्क्रीम माने होता है शाउट करना, चिल्लाना, ठीक है. फिर उसके बाद हिस्टेरिकल का मतलब हमने देख ही लिया है. फ्राइटेंड होता है फियर, इतना डरे हुए जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा. सो आई थॉट, मदर बोलती है मुझे पता ही नहीं था सुनामी क्या है, बट हमने अपनी बेटी को इतना इतना स्केर्ड, इतना आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ कंट्रोल देखा तो हमें पता चला. देखो इसे वेव्स बन रही है, सब कुछ हिल रहा है. तो अर्थक्वेक से डरो, अर्थक्वेक एंड अ माइन्यूट अर्थक्वेक कैन इवन लीड टू मोर हिस्टेरिकल थिंग्स, कुछ भी हो सकता है बेटा. ठीक है, तो फिर मतलब हिस्टेरिकल मतलब यू विच यू कैन रियली नॉट नो ऑफ, यू विच यू कैन नेवर नो ऑफ, बट विल हैपन सर्टेनली इन द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, सो वॉट हैज़ टू हैपन विल हैपन, बट द पॉइंट इज हाउ यू परसीव दोज थिंग्स एंड हाउ यू रिएक्ट टू इट, है ना. तो बिकॉज टिली वॉज much aware of the facts and the repercussions that a tsunami or even the earthquake can cause, isiliye she screamed at her parents. She was so frightened and despite of the fact that her parents just didn't know what an earthquake or a tsunami be it can cause. Theek hai, chalo moving on. Aage kya hota hai beta, Tilly's parents took her and her sister away from the beach. टिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसको ले जाते हैं और उसकी बहन को भी ले जाते हैं बीच से दूर परे, कि भाई शांत हो जाओ, इतना चिल्ला रही हमारी बेटी, चलो 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 भागते हैं भागते हैं. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में ले जाते हैं. बताओ जी, अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. अब उसके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट यानी कि आगंतुक, बहुत सारे जो यात्रीगण होते हैं वो सारे के सारे बीच को खाली कर देते हैं, उसके साथ ही निकल लेते हैं. Then it was as if the entire sea had come out after them. ऐसे लग रहा था कि पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे ऐसे आ रहा है. I was screaming run, मैंने चिल्लाया कि भागो. जैसे वो लोग खाली करने लगे ऐसे लगा पीछे से तूफान आ रहा है, कोई टाइडल वेव्स आ रही है, तो मैंने बोला भागो. And they all were, मतलब बहुत दूर से दिख रहा होगा कि कुछ आ रहा है, तो वो भाग लिए बस बिल्कुल, कि यार एक झोंका आएगा, एक वेव आएगी और सब कुछ मतलब तहस नहस कर देगी. सो इट्स बेटर टू रन लाइक भाग मिल्खा भाग, है ना. तो मिल्खा सिंह की तरह सारे दौड़ पड़े, एकदम पीवी सिंधु बन के दौड़ पड़े. तो यहाँ पे ऐसे बोला है कि टिली के जो पेरेंट्स हैं वो उसको और उनकी सिस्टर को, यंगर सिस्टर को भी ले गए, उसके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट्स भी चले गए थे. पूरी शाम मतलब ऐसे ही लग रहा था कि पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा है. सो शी स्क्रीम्ड, हु स्क्रीम्ड, टिली स्क्रीम्ड रन, भागो यार भागो, इट्स बेटर कि भाग लो तो बेटर रहेगा, यानी कि भाग लोगे तो फ़ायदे में रहोगे बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग देखो अर्थक्वेक से बच रहे हैं,
and everybody was creating chaos and confusion and there was this panic situation. सबको panic attacks आ रहे थे, adrenal rush high हो रहा है. चलो ये सब तो होना ही था, मतलब ये तो बहुत obvious सी बात है, बहुत expected सी बात है, है ना. Now what happened, what all happened, what are the certainties, what more, मतलब I really want to know अभी क्या चल रहा है. बहुत ज़्यादा excitement हो रही है कि ये लोग भागे, बचे इनमें से कितने, बचे कितने, कितने ज़्यादा casualties थी. These are the things that I really want to know and I hope you do too, right? तो hang tight. अब जब हम क्या करते हैं, let's just inhale and exhale, क्योंकि कुछ नहीं होएगा, सब बच जाएंगे. बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड लेट जस्ट होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, आई रियली विश द एंडिंग टू बी पॉजिटिव, आई रियली विश द एंडिंग टू बी द हैप्पीएस्ट. मतलब अभी तक सारे ये जो ट्रैजिक इवेंट्स हुए इनके बाद एक हैप्पी मोमेंट हो जाए तो बस नथिंग लाइक इट, है ना. तो देख लेते हैं. द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. फैमिली जो है, रेफ्यूजी कौन होता है बेटा, जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब ऐसे भाग कर आते हैं और उनको पनाह दिया जाता है बेसिकली. ठीक है, तो थर्ड फ्लोर पे ले गए थे होटल के. द बिल्डिंग वॉज विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. तो बिल्डिंग जो है ट्राइड एंड टेस्टेड थी कि 3 सुनामी वेव्स भी आ जाए ना तो भी ये बिल्डिंग उसको सहलेगी. विदस्टूड मतलब सहलेगी खड़े खड़े. ठीक है, सो इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रह जाते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं रहते. पर क्योंकि वो बीच पर है, बिल्डिंग के अंदर है, सो चांसेस आर दैट दे कुड हैव बीन सेव्ड. बहुत बड़ी बात है. अगर अर्थक्वेक आ जाए तो बिल्डिंग खाली करनी होती है, दैट्स वॉट वीव लर्नड. बट अर्थक्वेक जो है जिसकी वजह से सुनामी आता है वो बीच लेवल्स पे आता है. ठीक है, तो अगर हमें टाइडल वेव्स और बीच पे सुनामी सुनने को मिले, चांसेस आर कि सुनामी आएगा. अब सुनामी के लिए बिल्डिंग्स जो है वो सुनामी प्रूफ बनाई जा सकती है. वैसे तो अर्थक्वेक प्रूफ्स भी बनती हैं आजकल, बिल्डिंग्स हाई सेस्मिक वेव्स पे टेस्ट होती हैं. तो वो जो बिल्डिंग थी उस पे टेस्ट हो रखा था सुनामी वेव्स का, तो दे गॉट लकी इनफ, लकी इनफ टू गेट होल्ड बाय द टीम, बाय मतलब द हो यानी कि द इंटायर होटल टुक अ चार्ज ऑफ ऑल ऑफ देम. दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन, है ना. तो अच्छी बात है, ऐसे रेफ्यूजी मतलब कि कहीं से भाग कर आए और उन्हें पनाह दे दिया, शेड दे दिया. ठीक है, तो रेफ्यूजी होते हैं शेड नहीं होता बेसिकली, रेफ्यूजी होता है पीपल हु आर गिवन शेड. रेफ्यूजीज नहीं है ना, वैसे भी रेफ्यूजी लिखा है तो हम लिखेंगे अ पर्सन हु इज गिवन फूड, शेल्टर during desperate times लिख देते हैं. ठीक है, desperate times जो vulnerable needy times होता है ना, उस time पे आपको कोई पनाह दे दे, food shelter दे दे. जैसे कि बेटा जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर जब वो हुई थी, तो पार्टीशन जब हो रहा था उस time पे जितने भी वो refugees आए थे जो पाकिस्तान वाली साइड थे, जैसे कि पंजाब के बहुत सारे वो थे रेफ्यूजीज मतलब रहने वाले लोग थे, गुजरात के थे, तो जो वो इस साइड आए इंडिया वाली साइड में, वो सारे रेफ्यूजीज होते हैं. ठीक है, सो द फैमिली टुक रेफ्यूजी, फैमिली जो है उन सारे रेफ्यूजीज को होटल के थर्ड फ्लोर पे लेके गई, कि जो ऑन पर्पस रिजॉर्ट में नहीं रह रहे थे, बट हाँ उस वजह से, उस टाइम की वजह से उनको वहाँ रुकवा दिया गया. बिल्डिंग प्रूफ उसके पास वो था, सुनामी प्रूफ थी, तो विदस्टूड यानी कि बेयर कर सकती थी, विदस्टूड यानी कि बेयर कर लेना या फिर सह सकती थी. सह सकती थी सर्ज ऑफ 3, सर्ज यानी कि, सर्ज क्या होता है बेटा, स्ट्रोक यानी कि उसका वो जो एकदम से वेव आता है ना, टाइडल वेव, उसको सह सकती थी, उसके वेव को, उसके स्ट्रोक को. इफ दे हैड स्टेड, अगर वो बीच पर रुकते तो वो नहीं बच पाते, बट होटल में पहुंच गए थे सिंस वो, तो वो शायद बच गए. आई गेस बच गए, आई होप बच गए, वैसे तो मुझे पता है, बट स्टिल I would love to create suspense for you guys, and why not, है ना? But where is my pen, yaar? Pen कहाँ गया? Okay, yeah, ये रहा. Here is it. ठीक है, तो वो शायद बच गए हैं, देख लेते हैं, let's hope for the best.
The Smiths later met other tourists. Smiths जो थी पूरी family, Colin, Penny, Tilly सब मिले दूसरे आगंतुक से who had lost entire families, जिन्होंने पूरी families खो दी थी. Thanks to Tilly, यानी कि बाद में कुछ लोग की जान चली गई थी. That's the sad part. यार कोई ना कोई अगर wave आई है कुछ ना कुछ तो लेके गई है. मतलब 100% chances तो शायद ही कभी होते होंगे. Lucky are those जो इस effect से बच गए हैं अगर तो. सो स्मिथ्स जो हैं बाद में मिले दूसरे आगंतुक से जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज खो दी थी थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. लेकिन टिली ने सही टाइम पे सबको अवेयर कराया या नहीं, है ना? तो टिली को थैंक्स बोल सकते हैं हम उसकी ज्योग्राफी लेसन को. दे हैड बिन फोर वॉन्ड, यानी कि जिसने पहले से ही वार्निंग दे दी थी. फोर वॉन्ड यानी कि बिफोर प्रायर टू द टाइम वार्निंग हैज़ बिन गिवन टू ऑल ऑफ देम बाय वन एंड ओनली टिली स्मिथ. Tilly went back to her school in England. Tilly जो है वापस गई थी स्कूल इंग्लैंड में and told her classmates her terrifying tale. उसने अपने सारे सहपाठियों को क्लासमेट्स को ये भयानक सी टेल दास्तान सुनाई थी कि यार ऐसा भी हो सकता है गाइज. मतलब ये तो अति हो गई थी, है ना, किसी के साथ ऐसा हुआ है एंड देव लिटरली लिव्ड इन दैट मोमेंट इज सरियल. मतलब ये इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन है तो किसी को भी बेयर नहीं करना चाहिए वैसे तो, है ना. फोर वॉन्ड होता है प्रायर वार्निंग, प्रायर साइंस दे दिए प्रायर, ठीक है. टेरिफाइंग क्या होता है, भयानक सी टेल दास्तां उसने सुनाई थी, घातुक सी, ठीक है. ओके ओके दो की चलो डन हो गया है. तो यानी कि कैन वी से दैट देखो नाउ दे बैक एट वर्क. सो कैन वी से आर वी सेइंग दैट द चैप्टर्स गॉट फिनिश्ड. यस पार्ट टू डेफिनेटली हैज. तो यानी कि पार्ट टू जो है क्वेश्चन इसका सुनामी पार्ट टू जो है वो भी कंप्लीट हो गया. वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट. सो ये नाउ क्यू एन ए टाइम. थोड़ी सी डिस्कशन है, शॉर्ट में करेंगे, आप लोग नोट डाउन करते रहना. क्वेश्चन नंबर वन है कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट से है बेटा ये. व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड. थाईलैंड क्यों आए थे टिली की फैमिली? एंजॉय करने हॉलीडे पे आए थे साउथ ईस्ट इंग्लैंड, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे. फॉर मोस्ट रीजन इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ. कौन से वार्निंग साइंस देखे थे उन्होंने? उन्होंने देखा कि नॉर्दर्न सुमात्र में अर्थक्वेक आया है, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को, यानी कि उधर सुबह ही. उनकी मम्मा ने देखा कि स्वेलिंग हो रही है, मतलब पानी सूझ रहा है, पास पास आ रहा है, बीच छोटा छोटा हो रहा है, तो उनको ये साइंस दिख रहे थे, ठीक है. तो टिली ने भी फिर अपने ज्योग्राफी लेसन्स में ये सब पढ़ा. क्या आपको लगता है टिली की मम्मा जो थी अलार्म थी, मतलब वो चौकन्ना थी इन सब चीज़ों से? पहले उन्हें समझ नहीं आया था बट हाँ टिली की हालत देख के ज़रूर समझ आ गया था. तो यही है इसका आंसर दैट यू ऑल हैव टू सॉल्व, ठीक है. फिर आ जाता है बेटा कि टिली ने कहाँ पे देखा था ये सी का बिहेवियर जो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है. टिली ने अपने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था. अब अगर आपको इसके सेंटेंस की सिमेंटिसिटी नहीं आ रही है तो मैं बता देती हूँ कि टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन ड्यूरिंग हर. मतलब जी जो उसके सामने हो रहा था ना वो सेम उसने फैशन देखा, वो सेम उसने ट्रेंड देखा, वो सेम उसने प्रतिक्रिया देखी अपनी ज्योग्राफी लेसन में जो उसके साथ हो रहा था. जब वो जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ रही थी क्लास वीडियोज़ को याद आ गया, तब उसने बोला कि सुनामी जो है अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड से कैसे कॉज होते हैं, ये सब उसे याद आ गया था. सो थैंक्स टू टिली. अब आपने ये भी सोचना है ना कि क्यों उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था कि उसे हीरोइन बनाए या किसी इंडस्ट्री में भेजे, क्यों नहीं सोचा ऐसा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी. स्मिथ की फैमिली और दूसरे लोग, दूसरे भागम भाग वाले जो कैरेक्टर्स थे, वो अपने आप को सुनामी से बचाने के लिए कहाँ गए, ठीक है. ये मत सोचना बेटा कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रूथलेस हो रही हूँ या फिर आई एम इमोशनलेस, आई एम जस्ट क्रिएटिंग सम अमाउंट ऑफ लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एलिमेंट ऑफ फन जस्ट सो यू कुड फील लाइट इन अप. ऐसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं ऐसे टॉपिक्स को पढ़ के. हमें बहुत ज़्यादा ऐसे सेंसिटिवनेस दिखानी है, फील करना है, बट अ सेंस ऑफ अलर्टनेस शुड अराइज मोर देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मैम ओनली, योर्स ट्रूली, ठीक है.
तो बिल्कुल भी ऐसा डरना नहीं है, बस अलर्ट रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए ऐसे टाइम पे। तो यहाँ पे बोला है कि स्मिथ की जो फैमिली है और दूसरे सुनामी से कैसे वो बचे थे, कहाँ गए थे, वो होटल में गए थे, उसी रिजॉर्ट में जहाँ वो रुके हुए थे, ठीक है, जो कि 3 सुनामी वेव से मतलब प्रूफ थी और वो हिला नहीं सकती थी, ठीक है। तो ये तो बढ़िया चीज़ हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। जब उनकी ज्योग्राफी टीचर ने सुना कि ये सब हुआ है तो क्या लगा उनको, वो तो शी वॉज शुक, शी वॉज टोटली शी वॉज इन अ कम्प्लीट शॉक आफ्टर हियरिंग हर टेरिफाइंग टेल कि ऐसा भी किसी के साथ सच में हो सकता है। तो ये फुकेट में उसने जो जो भी किया, बट ऑन दी अदर साइड शी फेल्ट रियली प्राउड ऑफ हर मतलब हाउ शी सेव्ड मैनी अदर लाइव्स है ना, अलॉन्ग विद हर एंड हर फैमिली। तो ये चीज़ उसने अच्छी कर दी टिली ने, छोटी सी बच्ची ने सबकी कितनी सारी मतलब हेल्प करी और जान बचाई बाय लिटिल स्मॉल अमाउंट ऑफ अवेयरनेस। तो सो कैन यू एज वेल, अगर ऐसा कुछ गॉड फॉरबिड टाइम अगर आता है तो आप भी प्रिपेयर्ड तो रह ही सकते हो एटलीस्ट, है ना। डू नॉट टेक दीज सिचुएशंस वेरी लाइटली, नहीं लेना है बिल्कुल भी। चले आगे, चलो जी चलते हैं। नाउ बेटा, नाउ द चैप्टर, नाउ दैट द सुनामी पार्ट 2 हैज़ कम टू एन एंड, तो बिफोर प्रोसीडिंग इन टू द थर्ड पार्ट आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू सम लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव फीचर्स ऑफ अन अकेडमी। अन अकेडमी में भी बेटा हमारा एक नया फीचर है जिसका नाम है आस्क डाउट। बहुत ही अमेजिंग फीचर है, इसमें आप लोग जो है अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल सकते हैं। आपको जो है एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, द अमाउंट ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू हियर आपको बिल्कुल ही वैसे ही मिलेगा। आप जो है इंस्टेंट और एक्यूरेट सोल्यूशन जो है इतने सारे क्वेश्चंस के इन नो रियल टाइम पा सकते हो। बट बेटा आपको जो असिस्टेंस होमवर्क घर से मिलेगा उसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आपको क्लिक करना है आस्क अ डाउट पे, आपको उसकी पिक्चर लेने की है, उसके बाद आप उसको फोटो को क्रॉप करो, हाईलाइट करो, जस्ट सो योर डाउट कुड बी इजीली क्लियर क्लियरली विजिबल, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उस डाउट को एक कैटेगरी में फिल करना है कि वो कौन से सब्जेक्ट के अंडर आता है, एंड देन सिट टाइट, आपका डाउट आपके सामने होगा बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ योर आस्किंग डाउट प्रोसीजर, है ना, क्या डूज एंड डोंट है यार। वन डाउट एट अ टाइम यू शुड आस्क, ऐसे वैसे क्लटर नहीं करोगे, बम्बार्ड नहीं कर दोगे मल्टीपल डाउट्स के साथ। उसके बाद जैसे सब ऑप्शंस है उसमें, तो आप एक ही डाउट पूछोगे सब पार्ट में भी। ऑल्सो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि प्रिंटेड डाउट्स ना हो आपके, प्रिंटेड डाउट्स ही होने चाहिए, हैंड रिटन डाउट्स ना हो, उसको अवॉइड करना, क्योंकि हमें आपकी ब्यूटीफुल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग योर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कर्सिव राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, प्रिंटेड डाउट्स देना। नाउ अन अकेडमी कॉम्बैट चैलेंज स्कॉलरशिप में सभी बच्चे अपने आप को एनरोल कर लेंगे आइडियली, ठीक है, लॉजिस्टिकली भी, फिगरेटिवली भी, लिटरली भी अच्छे से कर लेना यार, क्योंकि 1 करोड़ का स्कॉलरशिप है, इसको हम किसी के लिए भी क्यों छोड़े, है ना, क्योंकि आर स्टडी कम्स फर्स्ट, आर अकेडमिक्स पार्ट शुड बी द प्रायोरिटी एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। तो 6 से 8 के बच्चे जितने भी हैं 12 PM पे फटाफट से अपना रेडी हो जाना, ठीक है, सामान बांध के, क्योंकि फ्री टेस्ट है बेटा आपका एंड्रॉयड ऐप पे, आपको फटाफट से अभी के अभी एनरोल करना है आफ्टर दिस क्लास, ठीक है, तो प्रॉमिस कर दो ये भी बात। नाउ बेटा, अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है लाइव क्लासेस अपने कंफर्ट जोन पे घर पे आराम से बैठ के ले सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपको सारे डाउट्स का, हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको पढ़ाने के लिए रेडी हैं। अब आप रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन करोगे तो आपका काम आसान होगा, आपको इधर उधर जो सिलेबस की झंझट होती है उसमें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन यही मिल गया है। मेंटोरशिप गाइडेंस से लेके आपके टीचर्स जो हैं, आपके जो एजुकेटर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट योर एजुकेटर्स, दे आर ऑल योर फ्रेंड्स, दे योर कॉन्फिडेंट्स, दे आर योर एवरीथिंग बेसिकली, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, इन एवरी पॉसिबल फॉर्म आपको ये सब मिलेगा। अब प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग जो है वो आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको इनिशियली लगता है कि योर पेरेंट्स के नॉट अफोर्ड दिस मच, तो आप सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप धीरे 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 अपने आप को अपग्रेड करा सकते हो। बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई निधि 01 कोड, जिससे आपको 10% ऑफ सीधा सीधा मिल रहा है, ठीक है।
ये कोड तो अप्लाई कर ही देना बेटा। अब अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, मतलब हाउ डज इट वेरी फ्रॉम दिस प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको अगर ग्रुप स्टडी में अनकंफर्टेबल लगता है, जिन भी बच्चों को, कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं हमारे पास बहुत सारे होते हैं जिनको डाउट्स पूछने में भी हेजिटेशन होती है, तो आप वन ऑन वन सेशंस ले सकते हो टीचर्स के साथ, अपने एजुकेटर्स के साथ। आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग जो है बहुत आसान हो जाएगा, आपकी वीकली रिपोर्ट आपको दी जाएगी, आपका स्टडी प्लानर बनाया जाएगा, पेरेंट टीचर मीटिंग जैसे वो होती है पेरेंट कनेक्ट, आपकी पूरी काउंसलिंग होगी पेरेंट्स के साथ में, और सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे यार। तो मतलब क्यों वेट कर रहे हो, इसकी भी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा ठीक है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको फीजिबल लगे, जिस हिसाब से आपको अफोर्डेबल लगे आप ट्राई करके देखो, उसके बाद आप अपने पैक को इजीली अपग्रेड करा सकते हो फॉर 6 to 12 पर से, ठीक है। कोड लगाना मत भूलना अगेन। अब ये जो सारे बेटा ऑफर्स हैं ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही अप्लाई होते हैं, वैलिडिटी इनकी बहुत कम टाइम तक होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, तो जल्दी से आपको अप्लाई करना है इनको ताकि बिफोर इट गेट्स एक्सपायर्ड। आप 5 में पे कर सकते हो, 0 कॉस्ट EMI पे कर सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू, चाहे अनअकैडमी प्लस के लिए ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब बेटा ये पेमेंट मोड भी आपको बता दिया है, नाउ आप डाउनलोड करो अनअकैडमी ऐप, गूगल प्ले ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है, और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लो निधि 01 कोड लगाना मत भूलना। आई थिंक दैट्स ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे, आई थिंक दैट्स आवर टाइम। हमने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करी, हमने सुनामी पार्ट 1 पढ़ा, हमने सुनामी पार्ट 2 भी पढ़ा बेटा, हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में जो है कैसे अलग अलग मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू हमने कॉम्बैट किया इस सिचुएशन को, कि सुनामी से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुछ लोगों ने अपनी जान सेव करी, अपने साथ साथ और भी लोगों की लाइफ सेव करी, तो लाइफ सेवर एक्सपीरियंस तो ये हमारे लिए था, ठीक है। सम पीपल वर रियली लाइफ सेवियर्स, हमने लाइफ स्किल अपनी इस रूटीन में ऐड किया है ना। अभी तो यार फिलहाल देखो स्विमिंग पूल्स आर क्लोज, दे आर नॉट ऑपरेशनल, बट एज सून एज इट गेट्स स्टार्टेड आई थिंक वी ऑल मस्ट इनरोल इन टू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, आई थिंक वी मस्ट, ठीक है। और वट एल्स एम आई मिसिंग आउट ऑन, हाँ पार्ट 2 में हमने टिली स्मिथ की ब्रेवरी के बारे में पढ़ा, कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कि अपने पेरेंट्स के साथ साथ इतने लोगों को अवेयर किया, और बहुत ही मतलब ये सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम की बात थी कि कैसे इतनी सी देर में बस वो बच गए, बाल बाल बचने वाली बात हो गई है ना। सो वी गेंड अ लॉट ऑफ विजडम आउट ऑफ दीज टू पार्ट्स, है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही पार्ट रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे से बढ़िया डिस्कशन करेंगे। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द थर्ड पार्ट ऑफ सुनामी, राइट। बाय बाय।